खबर खनी थाना तहसील के मायापुर थाना क्षेत्र के तेरही गांव से है, जहां एक ग्रामीण का शव महुआ गांव के पास मुरम के गड्ढे में पड़ा हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने गांव के ही चार लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने के आरोप लगाते हुए शव को मायापुर थाना के गेट पर रखकर रनोद पिछोर मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवागमन कई घंटों तक बाधित रहा। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से चक्का जाम लगाया गया था, जिसको शाम 4:30 बजे के बाद भी नहीं खोला गया था, जिसके कारण मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई वाहनों को तो वापस लौटना पड़ा। परिजनों ने बताया कि 48 वर्षीय बुंदेल सिंह यादव बुधवार की शाम अपने खेत में पानी देने के लिए बाइक पर सवार होकर घर से निकला था, लेकिन वह देर रात तक वापस नहीं लौटा। तो देर रात से परिजनों ने बुंदेल सिंह की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन दूसरे दिन सुबह महुआ गांव के पास सड़क पर बुंदेल सिंह की बाइक पड़ी हुई मिली। पास में ही मुरम के एक गड्ढे में बुंदेल सिंह मृत अवस्था में मिला था। इसके बाद परिजन बुंदेल यादव के शव को मायापुर थाना लेकर पहुंचे, जहां गांव के ही चार लोगों पर पुरानी रंजिश को लेकर हत्या के आरोप लगाते हुए हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। मृतक के परिजन और सैकड़ों लोग सुबह 8 बजे से चक्का जाम कर रहे थे। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने की बात कह रही थी, लेकिन परिजन जाम से हटने को राजी नहीं हुए थे। तब इस मामले में पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा का कहना है कि परिजन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कराने की बात पर अड़े रहे। उन्हें मर्ग के बाद पीएम रिपोर्ट आने के बाद बयानों और रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद दिन भर चले नाक के घटनाक्रम के बाद परिजन मर्ग कटवाने के लिए राजी हुए। पीएम डॉक्टरों के पैनल में होना और जिला अस्पताल में करवाने की बात पर सहमत हुए और कड़ी मशक्कत के बाद जाम खोला। मेरा जितेंद्र यादव। ये थाने के आगे, मायापुर थाने के आगे एक डेड बॉडी रख के चक्का जाम किया, क्या पूरा मामला है? मामला जी है कि सर मेरा पानी लग रहा था खेत के पास में, मेरा भाई वहीं पे रह रहे थे और चार लोग आए, बंटी लोकेंद्र, बंटी और लोकेंद्र और लक्ष्मण सिंह और राहुल और प्रतिपाल मोनू और मोनू, चारों लोग ले गए और गड्ढे में वहाँ पे मार के फेंक दाए। और जहाँ आए हम सो बिल्कुल एफआईआर हो ही नहीं रही, जेकर जो कर लो वो कर लो, जिनने पैसे में से ले लिए उन्होंने से ले लिए भाई से परिवार ही नहीं आके ने, कोई सुनवाई नहीं सुबह से, जबरदस्ती से लाश उठाने गए थे हमने, एक घंटे दो घंटे लाश ले ली जाएगा, सुनवाई नहीं होगी तो आप आगे क्या एक्शन? अक्सर सीपरी नहीं होगी तो ग्वालियर जाएंगे घर का प्रदर्शन करेंगे, जब तक एफआईआर नहीं होगी जब तक लाश नहीं जलेगी। घटना कौन से गांव की है? तेरही से थोड़ी दूर आगे भगवे पे, कुछ नहीं कह रही पुलिस। सुबह 8 बजे से यही रखी, 8 बजे से, 8 बजे से लाश यही रखी। कौन आया, वरिष्ठ अधिकारी कोई आया? हाँ मैडम आई थी, वो थाना प्रभारी, वो तो है ही होंगी, और कोई नहीं आया, और कोई नहीं आया, कोई नहीं, 5-6 घंटा कोई सुनवाई नहीं आया। ये कह रहा घर ले जाओ लाश जला दो, और क्या ये यहाँ की प्रभारी और पूरे स्टाफ कह रहा हूँ, यहाँ पर पूरे स्टाफ यही बोल रहा है, हम जो एफआईआर करवाना चाहते हैं। मायापुर थाने के आगे एक डेड बॉडी रख के चक्का जाम किया है, क्या पूरा मामला है? जी सर मेरे बड़े भाई की हत्या कर दी गई है और क्या कहते हैं उन मैडम एफआईआर नहीं कर रही है और कह रही है इसे ले जाओ और जला दो, और पूरा थाना बिक चुका है और जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है और कोई सुनवाई नहीं है, मैडम अपनी मस्ती में घूम रही है और फोन आ रहे हैं उन्हें बस कि एफआईआर मत करो, और जो कह रहे हैं कि चक्का जाम हटाओ और ऐसे चक्का जाम खुलवाओ। तो आप क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी और एफआईआर मिले हमें, पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही बिल्कुल। अभी यहाँ पर जब से चक्का जाम है जब से यहाँ पर कोई वरिष्ठ अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया वरिष्ठ, और वरिष्ठ एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा एफआईआर दे रहे हैं लेकिन दे कोई नहीं रहा और गुमराह कर रहे हैं लोगों को 6 घंटे से। कितने बजे से ये चक्का जाम? 8 बजे से, सुबह से आठ बजे से। आज मायापुर थाने के सामने सुबह 8 बजे से अभी 4:30 बजे तक जाम लगा रहा, क्या पूरा मामला था? ये ग्राम तेरही थाना मायापुर से सुबह सूचना पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति का शव गांव में ही पड़ा हुआ है, तो पुलिस मौके पर पहुंची और वहां कार्रवाई प्रारंभ करी। तब तक ही जो मृतक थे स्वर्गीय बुंदेल सिंह यादव, उनके परिजन डेड बॉडी को थाने लेकर आए और गांव के ही चार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराने का प्रयास कर रहे थे,
इसी बात से उन्होंने जाम लगा दिया था। और पुलिस का ये कहना था कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद जो सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब जाम 4:30 बजे खोला गया तो किस आश्वासन को लेकर जाम खोला गया है? मैंने उनको यही निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया है कि मार्ग जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें सब जो मृतक है, मृतक की जिन लोगों के 4 लोगों के नाम लिए हैं उनसे कोई पुरानी रंजिश वगैरह चल रही थी? हाँ, उनका ऐसा कहना था कि उनका पूर्व से कोई विवाद भी चला आ रहा था, शायद एक दूसरे के ऊपर पहले भी प्रकरण पंजीबद्ध करा चुके हैं। अभी विस्तृत बात मैं नहीं बता सकता क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड निकलवा लूंगा तब मुझे सही बात का आकलन करके मैं आपको बता पाऊंगा। सर, ये अपना जो आरोपियों के नाम बताए गए हैं जिन लोगों ने हत्या की है, तो उनके नंबर वगैरह को एड्रेस पे डाले आपने? ये अभी हम जांच में सब कार्रवाई करेंगे, जो भी संदेह के दायरे में लोग आएंगे नंबर भी हम ट्रेस पे डालेंगे, PSTN डाटा भी उठाएंगे और जो भी संबंधित कार्रवाई होती है वो अवश्य करेंगे। तो जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के लिए कहाँ PM के लिए भेजा है? अभी परिजनों का ऐसा कहना था कि हम सिवपुरी में ही पैनल से PM कराएंगे, तो हमारी टीम सिवपुरी उनके साथ रवाना हो गई है और जिला मुख्यालय पर उनका PM कराया जाएगा।